स्कूल में एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार है, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्यौहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों की, ताजिए के नीचे, हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा हूँ, आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पुराने। दूसरा, 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हो गई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। तो मैंने सोचा भाई जरा रियलिटी जाननी चाहिए, तो मैंने हमारे 30 कार्यकर्ताओं का, युवाओं का एक ट्रेनिंग कैंप किया और उनको सर्वे करना सिखाया। गए पूछते थे कि आप बताइए दिवाली कैसी है। नहीं यार, दिवाली बहुत अच्छी है, ये मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं अभी आपसे पूछने वाली थी, 2002 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। बोले दिवाली बहुत अच्छी है। फिर वो कहता था उसको जरा चुभने के लिए, वो कहता था ठीक है मोदी बैठा यार दिवाली, हे मोदी का नाम मत लो। ये बच्चा होता था उनका, बोले इसकी माँ सुनेगी ना तो मुझे रात को खाना नहीं देगी। बोले क्यों? अरे बोली मोदी नहीं आया था तब तक ये स्कूल नहीं जाता था। तो अपने रिश्ते मुसलमानों संग कैसे हैं पीएम मोदी के, इसको लेकर उन्होंने खुलकर बातचीत की और जैसे ही उनका ये बयान सामने आया उसके बाद से ही राजनीतिक बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। क्या कुछ कहना है आपको दिखाते हैं। 2002 में जो हुआ था आपकी सरकार थी, आप थे वहां पर, इसलिए हम लोगों पे आरोप मत लगाइए। आप वोट मांग रहे हैं, अभी 5 काम पर आप जो हैं 5 काम गिनाइए 10 वर्षों में जो आपने जो काम किया। आप तो खुद जब भाषण दे रहे हैं आपको एहसास हो चुका है कि आप हार रहे हैं तो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी आपसे आग्रह है, आपसे आग्रह, आपके लोगों से आग्रह, भारतीय जनता पार्टी से आग्रह है, 5 काम गिनाइए। महंगाई की बात करिए, रोजगार की बात करिए, महिलाओं की बात करिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में 125 करोड़ देशवासियों की सेवा कर रहे हैं और जब वह कोई योजना लेकर के आते हैं तो देश के समस्त लोगों के लिए लेकर के आते हैं, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले, किसी मजहब के मानने वाले लोग हों। जिस प्रकार से उन्होंने अपने पूरे 10 वर्षों के कार्यकाल में देश के लोगों को सेवा किया है, अवसर दिया है, इससे स्पष्ट है कि देश के सभी 125 करोड़ वासियों के लिए वो काम कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अभिभावक हैं, ऐसे अभिभावक जो परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखते हैं, यह सिर्फ कहने की बात नहीं है बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यवहार में भी दिखता है। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। 3 तलाक कानून को खत्म करने से आज लाखों मुस्लिम महिलाओं का जीवन बर्बाद होने से बचा है, लेकिन कुछ लोगों ने हमेशा देश और समाज को धर्म के जज्बे से देखा, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काया। पीएम मोदी की नीतियों की गलत व्याख्या कर मुस्लिम समुदाय के लोगों को गुमराह किया, पीएम मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की गई। पीएम मोदी ने न्यूज चैनल के साथ बातचीत में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन शारीरिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। भाई ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री जी को हर बातों का एहसास और अनुभव चुनाव के वक्त ही होता है? जरा उनके भाषणों को देखिए ना, किस प्रकार से चुनाव के वक्त वो लगातार हिंदू मुस्लिम किए जा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है तो क्या उसकी गरिमा के विरुद्ध ये बात नहीं है? चूंकि प्रधानमंत्री जी को यह एहसास हो चुका है कि देश की जनता उनको पूरी तरह समझ चुकी है और देश की जनता इस बार के चुनाव में नकार चुकी है उन्हें। और आइए अब